हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपके एग्ज़ाम की तैयारी? अब तो पूरा एक महीना ही बचा है पेपर के लिए। चलिए, आज हम आपको बताएंगे गणित के भाषा विज्ञान के बारे में। देखिए, वैसे तो भाषा विज्ञान हर सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है और धीरे धीरे हम आपको हर सब्जेक्ट का भाषा विज्ञान प्रोवाइड कराएंगे। भाषा विज्ञान से हर सब्जेक्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपने आपके पेपर में। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में एक एक मार्क्स कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए, तो हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं गणित के भाषा विज्ञान में। आज हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, हम आपको 2 से 3 वीडियो में पूरा प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप ने हमारा पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया तो आपको वहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड कराने के बाद हम इससे आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, जो कि आपके पेपर में आ चुके हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गणित, मैथ। गणित होता क्या है, मतलब शिक्षा जब हम पढ़ाते हैं तो शिक्षण के लिए गणित में क्या जरूरी है? देखिए, जो हमारा गणित है ये एक वैज्ञानिक तथ्य पे इसमें बात होती है। गणित में कोई भी इमेजिनेशन हम नहीं लगाते हैं। गणित में हर काम सत्यता के रूप में चलता है, जो है वो है। हर चीज को हम सिद्ध करते हैं, किसी भी चीज को हम ऐसे ही नहीं बता सकते। चलिए, वैसे तो गणित जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण भी है और सभी विषयों में सबसे ऊपर भी रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आपको बताएंगे नेचर ऑफ मैथ, मतलब गणित की प्रकृति के बारे में। हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे आपको पूरी लैंग्वेज प्रोवाइड नहीं की है, क्योंकि आप जो हम बोल रहे हैं अगर वही आप एक बार सुन लेंगे तो उतना ही काफ़ी है। फिर भी आप एक बार चाहें तो अपनी बुक में एक बार रिवीजन करेंगे तो सब चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है गणितीय ज्ञान में यथार्थता। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैथ में कोई भी चीज़ इमेजिनेशन पे नहीं होती है, हर एक चीज़ सत्यता पे आधारित होती है। हम हर एक चीज़ को सिद्ध करते हैं, किसी भी चीज़ को बिना सिद्ध किए हम गणित में उसका उपयोग नहीं करते हैं। गणित में आप जब भी देखेंगे, हम कोई भी प्रश्न करते हैं या कुछ भी देखते हैं तो वो एक सिद्धता पे आधारित होता है। जैसे यहाँ पे हमने बताया है आपको कि हम पाइथागोरस प्रमेय और बीजगणितीय प्रमेय के द्वारा सिद्ध करते हैं चीज़ों को। बिना सिद्ध किए हुए गणित में कुछ भी नहीं होता है। अब चलिए हम आगे, सेकंड टॉपिक है हमारा क्रमबद्धता। क्रमबद्धता फ्रेंड्स, क्रमबद्धता का मतलब है कि एक के बाद एक सडनली कोई काम नहीं कर सकते हैं हम। जैसे अगर हम आपको कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हम पहले उसका आपको बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद ही कोई चीज़ हमें समझ में आएगी। मतलब हम एक के बाद एक चीज़ों को समझते हैं। अगर हमने, जैसे मान लीजिए, अगर हमने जोड़ सीखा या हमने गुणा सीखा तो पहले हम एक एक संख्या का सीखते हैं, फिर दो दो संख्या का सीखते हैं, फिर तीन तीन, ऐसे करके हम चीज़ों को आगे ले चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने कुछ भी पढ़ लिया गणित में, तो उसके लिए अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं है उस चीज़ का, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। हमें बीच से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। तो इसलिए गणित एक क्रमबद्धता का विषय है जिसमें एक के बाद एक चीज़ों को समझा जाता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब है कि जो गणित है वो एक यूनिवर्सल लेवल पे है। ऐसा नहीं है कि गणित इस क्लास में पढ़ना है या यहाँ पढ़ना है या वहाँ पढ़ना। गणित जो है वो हम मतलब यूनिवर्सल सभी जगह पढ़ा जाता है। ज़्यादा आप देखेंगे सभी चीज़ों को गणित के नियमों द्वारा ही मापा जाता है। चाहे हम लंबाई को ले लीजिए, चाहे हम किसी भी चीज़ को ले लें। मान लीजिए अगर हम अपनी दैनिक चीज़ों की ही बात करें,
तो हम बात करते हैं लीटर में। जैसे सबसे बेसिक चीज ले लीजिए, आप दिन में रोज दूध लेते हैं, तो दूध हम किस में लेते हैं? लीटर में। वो भी किससे जो है उसकी संख्या किससे ली गई है, किससे उसको डिफाइन किया है? तो गणित से, क्योंकि गणित से ही हम क्या पता कर पा रहे हैं, एक लीटर एक किलोमीटर। तो गणित हमारा हर जगह जरूरी होता है। अब हम देख लेते हैं गणित की उपयोगिता। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि गणित हर जगह उपयोग होता है, चाहे हम अपने डेली लाइफ को ले लें, आप किसी भी चीज को ले लीजिए, आप चाहे मेडिकल से रिलेट कर लीजिए, हार्ट स्पीड्स हम नापते हैं, ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं, तो ये सब क्या है? जो संख्याएं हमें पता चलती हैं वो गणितीय ही तो हैं। तो गणित की उपयोगिता हमारे जीवन में हर पहलू पर गणित की उपयोगिता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान का साधन। दोस्तों गणित जो है वो एक ट्रुथ है, कोई भी इमेजिनेशन यहाँ पे काम नहीं करता है। यहाँ पे जो भी ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, ऐसा नहीं है गणित में। वैसे आपने ज्यादातर सब्जेक्ट में सुना होगा कि इस बात को लेके मतभेद है, इस बात को लेके मतभेद है, लेकिन गणित में आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी भी चीज को लेके कहीं भी मतभेद प्रकट किया गया हो। गणित में जो कुछ भी है प्रत्यक्ष है। जैसे मान लीजिए हमें ले लिया हमने, आपको पता होगा ये क्या होता है, लंबाई, या फिर हम बात कर लेते हैं इसको क्या कहते हैं, कर्ण, इसको क्या कहते हैं, लंबाई, और इसको क्या कहते हैं, चौड़ाई। तो अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हम कैसे लगाते हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट चौड़ाई का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर। तो ये हर जगह यूज होगा, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप कहीं फॉरेन कंट्री में हो। तो गणित में क्या है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान है, कोई भी इमेजिनेशन हम नहीं कर सकते, इसमें कोई भी मतभेद नहीं है। अगर ये फॉर्मूला, मान लीजिए आपने फॉर्मूला देखा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये जो फॉर्मूला है ये चाहे आप इंडिया में रहें तो भी यही लगेगा, लंदन चले जाएं तो भी यही लगेगा, यूएस चले जाएं तो भी यही लगेगा। तो कहीं भी ये नहीं है कि इस चीज में कोई मतभेद प्रकट किया गया है। अब चलिए सत्य के समीप, सत्य के समीप में भी यही चीज आ जाती है हमारी, कि ये चीजें जो है कहीं ना कहीं हमें हर एक चीज क्लियर है, कहीं पे भी हमेशा ट्रुथ है, सब चीज हर चीज को सिद्ध करके बताया गया है। स्पष्टता, आपने देखा होगा गणित में क्लियरिटी है, जो चीज हमें समझ में आ रही है वो चीज हमें समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है कि अगर आज हमने जोड़ करना सीखा तो कल हम भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है, इसमें एक क्लियरिटी है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, गणित और विज्ञान, मैथ और साइंस दोनों ऐसे विषय हैं जिसमें कि हर एक चीज को प्रूफ किया जाता है। इन दोनों सब्जेक्ट में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा गया है, बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के इन चीजों का ये चीजें संभव नहीं है, क्योंकि इनके हर एक चीज में आपको कुछ ना कुछ प्रूफ करके ही बताया गया है। इसमें कोई भी चीज सूत्रों के द्वारा या इस तरीके से नहीं ली जाती है, हर एक चीज को हम प्रूफ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो आज मैंने आपको पार्ट वन दे दिया, अब मैं अगले में आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथ्स और बची हुई चीजें बताऊंगी। तो फ्रेंड्स हमारे साथ कनेक्ट रहिए, हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, इसको शेयर करें, अपने फेसबुक पेज पर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप पर शेयर करें, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और हमारा वीडियो देखते रहें, जिससे कि आपको भाषा विज्ञान में भी आपसे कुछ छूटे नहीं, आप पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आए। दोस्तों गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कभी भी अगर आप पूरा करके आए हो तो आपको पूरे में से पूरे नंबर ही मिलते हैं। सो थैंक यू दोस्तों।